हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने मेमोरी कार्ड से या एसडी कार्ड से विंडोज को कैसे इंस्टॉल करें या फॉर्मेट करें। ये बहुत ही सरल दोस्तों, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक सॉफ्टवेयर चाहिए दोस्तों, और एक आपका मेमोरी कार्ड और एक यूएसबी मतलब मेमोरी कार्ड रीडर चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी तरह बता रहा हूँ कि हम किस प्रकार आसानी से अपने मेमोरी कार्ड से विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज XP 7 8 10 जो भी करना है करें। तो दोस्तों, मैं विंडोज 10 64 बिट इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो हमारे मेमोरी कार्ड को बूटेबल बनाएगा, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें ये एक मेमोरी कार्ड है एंड ये मेमोरी कार्ड रीडर दोस्तों, ये मेरा एसडी कार्ड। ठीक है, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। एंड दोस्तों, इसके अंदर डालने के बाद में हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लाइट जल चुकी है दोस्तों और ये अंदर शो हो चुका है। ठीक है दोस्तों, 16 GB का है, 14 GB अंदर शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो हमारे बूटेबल बनाएगा। ठीक है, और उसके साथ में दोस्तों हमें विंडोज ISO फाइल की जरूरत होगी, जिसको आप या तो मतलब इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई विंडोज की DVD है तो उसको ISO फाइल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले हमें वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मतलब सॉफ्टवेयर बूटेबल बनाना। ठीक है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर का नाम है RUFUS, रूफूस क्या है मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस प्रकार ये आइकन ओपन हो गया है, ये 16 GB है, ये इससे हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, एंड हमें बस यहाँ आना है, इसमें ये लिखा दोस्तों क्लिक द सेलेक्ट इमेज, इसके अंदर वो इमेज सेलेक्ट करनी। ठीक है दोस्तों, हम अपने D में चलते हैं और ये मेरा OS, ये दोस्तों मेरे पास है विंडोज 10 64 बिट का, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। फाइनल दोस्तों, देखिए दोस्तों ढंग से देखिए, कुछ नहीं करना, बस यहाँ सेलेक्ट करके रेडी लिखो आ गया, स्टार्ट पे क्लिक कर लेना। उस बाद दोस्तों ये पूछ रहा फॉर्मेट, तो वैसे हो गई दोस्तों, ये आपका पहले आपका जो SD कार्ड दोस्तों वो फॉर्मेट हो जाएगा, उसके बाद में दोस्तों पूरी लाइन भरने वाली। ठीक है, इससे लाइन भरने में लगभग दोस्तों हमें टाइम लगने वाला है 30 से 40 मिनट। क्या करें, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्या करें दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर में ज़्यादा टाइम लगता है और ये एक ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है, मैंने इससे विंडोज 7 भी चढ़ाया हूँ और मैं इसे इस सॉफ्टवेयर से ज़्यादा यूज़ करता हूँ दोस्तों, ये एक ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है, ये बीच में एरर नहीं फेंकता, इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। चलिए दोस्तों, अभी मैं वीडियो रोक लेता हूँ, कम से कम 40 मिनट तक ये पेन ड्राइव बूटेबल बनता है, जब उसके बाद में वीडियो वापस कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बोला था 40 मिनट लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये विंडोज 10 है, पर दोस्तों विंडोज 7 की बूटेबल बनाते वक्त रियल में दोस्तों मुझे 35 से 40 मिनट का टाइम लगा था, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। अभी देखिए 17 मिनट और 11 12 13 सेकंड चल रहे हैं दोस्तों। एंड दोस्तों देखिए दोस्तों, इस ये बनने के बाद दोस्तों हम इसे चेक करेंगे, मतलब इस मेमोरी कार्ड को, कि हमारी ये बूटेबल बना कि नहीं बना। ठीक है दोस्तों, ये 17 मिनट में पूरी तरह हो गया, ये देखिए दोस्तों यहाँ रेडी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये देखो रेडी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने के बाद क्लोज कर लेंगे एंड हम माय कंप्यूटर ओपन करके देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों इसको एक बार बाहर निकाल के वापस इंसर्ट करना हमें। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए इस प्रकार का लोगो आ गया दोस्तों, इसका मतलब है ये है कि आपका जो मेमोरी कार्ड है या SD कार्ड है वो पूरी तरह बूटेबल बन चुका है। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए, कभी भी विंडोज फॉरवर्ड मारते समय दोस्तों हमें रिस्टार्ट करना है इसको। ठीक है, कौन सा विंडो स्टार्ट और रिस्टार्ट सब में होता है। ठीक है, तो हम रिस्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, रिस्टार्ट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों इसके साथ हमें .+F2 लगातार दबाते रहना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने इसकी बायो सेटिंग ओपन कर ली है। ठीक है दोस्तों, ये बायो सेटिंग ओपन कर ली है दोस्तों, जो आपका DEL बटन है दोस्तों नंबरिंग कीबोर्ड में, और उसके साथ F2 मतलब एक बार
डेल दबाना, एक बार F2, एक बार डेल, एक बार F2, ऐसे लगभग 5-7 बार करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सभी में अलग अलग स्टाइल से दिख सकती है, लेकिन एक चीज दोस्तों सब में सेम रहती है, ठीक है। हमेशा दोस्तों हमें बायोस फीचर के अंदर जाना है, या बायोस सेटिंग ऐसा कुछ लिखा होगा दोस्तों, बाय एडवांस बायो के अंदर। देखिए दोस्तों, ये सब में कॉमन हो रह सकती है। देखिए दोस्तों, पहले हमें जो लिखा है दोस्तों, सीडी डीवीडी ड्राइव आपके कुछ डिफरेंट दिख सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हमें पहले सीडी डीवीडी ड्राइव में जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये लिखा है सीडी डीवीडी ड्राइव, इसको यहाँ यही रहना देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये लिखा है क्विक बूट, सॉरी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये लिखा हुआ है, हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपके जो ये बूट है ना दोस्तों बायोस, इसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव में जाना है आपको, चाहे कौन सा भी यूज कर रहे हो, आपको हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर जाना एंड एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों ये लिखा हुआ दोस्तों फर्स्ट ड्राइव, इस पर क्लिक करना दोस्तों। यहाँ पर आपको USB चुनना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ साटा होगा दोस्तों, आपको USB चुनना, और जो दोस्तों नीचे है ना सेकंड ड्राइव, इसके अंदर साटा ही रहने देना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा करने बाद दोस्तों ये लिखा हुआ बूट प्रॉपर्टी, इसके अंदर दोस्तों जो फास्ट है ना, यहाँ पर हमें ये जो आप देखें दोस्तों बूट MX लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर CD होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको USB चुनना, ठीक है। USB चुनने बाद ओके कर लीजिए, और नीचे दोस्तों CD और DVD चुन लीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा सब कुछ होने बाद दोस्तों F10 प्रेस कर लीजिए। F10 प्रेस करने बाद दोस्तों ओके बटन क्लिक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। जैसे हम आप ओके बटन क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद अभी डिस्प्ले लिखा आएगा, अभी डिस्प्ले दोस्तों इस पर लिखा होगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB, ठीक है दोस्तों। हमें एंटर, स्पेस या कोई भी एक बटन प्रेस कर लेना है दोस्तों। ऐसा प्रेस करने बाद आपको जो विंडोज का लोगो है दोस्तों, वो आपके सामने आ जाएगा, और आपको विंडोज बूट करने लगेगा, ठीक है। बजाय XP के, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये पूछा लैंग्वेज इंग्लिश ही रखेंगे हम, एंड दोस्तों ये टाइम चुन रहे हैं, तो हम यहाँ चुन लेंगे इंग्लिश वर्ड, ठीक है, और कीबोर्ड मेथड यूनाइटेड किंगडम ही रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये लिखा हुआ इंस्टॉल में क्लिक कर लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सेटअप स्टार्टिंग हो जाएगा। विंडोज 7 में दोस्तों इसकी तरह ही दोस्तों प्रोडक्ट की पूछ रहा है, नहीं हमारे पास, तो डोंट है, क्लिक कर लेना है। तो कि दोस्तों ये दो चीजें, प्रो एंड होम। तो दोस्तों हम डेस्कटॉप चला रहे हैं, तो मैं होम चुन लेता हूँ, ठीक है। प्रो तो दोस्तों जो बिजनेसमैन उनके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लेता हूँ दोस्तों मैं होम पे क्लिक करके, और एक्सेप्ट कर लेता हूँ टर्म एंड कंडीशनर इस चेकबॉक्स पर, और नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ अपडेट नहीं करना है दोस्तों, हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना है हमें, जो पार्टिसिपेशन फास्ट है दोस्तों वो हमारी सी ड्राइव है, ठीक है। इसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट क्लिक करके ओके करना है, और ये जो बाकी है ना दोस्तों DEF जो बाकी में ड्राइव, हमें केवल सी ड्राइव फॉर्म मारनी दोस्तों। अगर हम बाकी मार लेंगे तो सब डाटा डिलीट हो जाएगा, और इसको दोस्तों याद रखना फॉर्मेट करें, डिलीट नहीं करें, वो इस पर ऐसा सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर ले, ठीक है दोस्तों। बस यही है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये गिनती चलेगी 100, और बस हो गया आपका विंडोज इंस्टॉल, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऐसा आए तो आपको कुछ भी की नहीं दबानी, ध्यान रखना।
देखिए दोस्तों, उसके बाद में इस प्रकार के बॉक्स ओपन होगा गेटिंग गोइंग फास्ट। इसे हम दोस्तों यूज एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं एंड उसके बाद में दोस्तों ये उसके बाद दोस्तों ये अकाउंट के लिए पूछ रहा है तो मैं यूजर नेम में तो मेरा नाम लिख लेता हूँ नरेंद्र एंड पासपोर्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, वापस डाल देता हूँ पासपोर्ट एंड हिंट दे देता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपके दोस्तों फाइनली विंडोज इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों ये सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, मुझे ये थोड़ी बहुत सेटिंग ठीक कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप भी अपने एसडी कार्ड से विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर दोस्तों आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।